बिग बॉस सीजन 13 की शुरुआत में सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन दिखाई देते थे, जहां पर पारस छाबड़ा हमेशा ही रश्मि देसाई के साथ मिलकर सिद्धार्थ शुक्ला को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ आइडियाज बनाते हुए नजर आते थे और उस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ थे पारस छाबड़ा और आसिम उनके दोस्त थे। लेकिन जैसे ही आसिम सिद्धार्थ के खिलाफ हुए, सिद्धार्थ शुक्ला का दामन थाम लिया पारस छाबड़ा ने और अंत तक उनके साथ बने रहे और ऐसा लग रहा था कि आगे तक उनकी दोस्ती बनी रहेगी। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अब घर से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला और पारस छाबड़ा एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इन दोनों की एक दूसरे से बातचीत नहीं होती है। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों एक दूसरे से बातें नहीं करते? तो आपको बता दें कि बिग बॉस के शो के दौरान पारस छाबड़ा ने सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कहा था, बहुत बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे और कहते थे कि मैं इसके बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें जानता हूं। और कुछ रिवील भी किया था कि उनके ड्राइवर ने उन्हें बताया, जो कि यहां पर सिद्धार्थ के यहां काम करता था, और उसने बताया कि एक साल तक रिहैब सेंटर में था, बहुत सारी दवाइयां खाता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी दवाइयां खाता है और ये उन दवाइयों का ही असर है कि ये इतना ज्यादा अग्रेसिव है। और आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और यही वजह रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला अब पारस छाबड़ा के कॉन्टेक्ट में नहीं है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।